भोजन के अंत में या बीच में पानी पीना विष पीने के बराबर है। कम से कम 1.5 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। खाया हुआ भोजन 1.5 घंटे तक जठर अग्नि के प्रभाव में रहता है। किसान और मेहनत के काम करने वाले लोगों के लिए 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। जानवरों के शरीर में 4 घंटे तक जव अग्नि का प्रभाव होता है। भोजन के पहले पानी कम से कम 40 मिनट या अधिक से अधिक 1 घंटे पहले पी लेना चाहिए। चाहे जितना पानी पी सकते हैं। सुबह उठते ही दांत मुंह धोए बिना सबसे पहले पानी पिए। अन्न यदि आपके भोजन में 2 अन्न हैं तो 1 अन्न की समाप्ति और दूसरे की शुरुआत के पहले 1 से 2 घूंट पानी पी सकते हैं। भोजन के अंत में गला साफ करने के लिए 1 से 2 घूंट पानी पी सकते हैं। भोजन के अंत में सबसे अच्छी चीज मट्ठा छाछ है पीने के लिए, जिसको पीने का सही समय दोपहर के भोजन के बाद का है। दूसरी सबसे अच्छी चीज है दूध देशी गाय का, जिसको शाम के खाने के बाद पी सकते हैं। दूध सोते समय पिए तो और अच्छा है। तीसरी सबसे अच्छी चीज है मौसमी फल के रस, जिसका सही समय है सुबह के भोजन के बाद। कोल्ड स्टोरेज के फलों का रस सर्वनाश करेगा। हमारे पेट में जो रस बनते हैं इनको पचाने के लिए वो इसी क्रम समय में बनते हैं। जो बच्चे माँ के दूध पर निर्भर हैं 3 साल तक, उनके ऊपर यह नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि बच्चों के अंदर रसों का निर्माण उनकी उम्र के 1.5-2 साल बाद ही शुरू होता है। फल खाना जूस पीने से बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि जूस में सारे फाइबर बाहर निकल जाते हैं। फाइबर ब्लड को साफ करता है, बड़ी आंत छोटी आंत को साफ करता है, हृदय घात ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करेगा। जूस में थोड़ा काला नमक डालकर पिए या अदरक का रस अथवा चूना डालकर पिए, कभी भी सर्दी नहीं होगी। 1 गिलास जूस में 1/4 चम्मच अदरक का रस, काला नमक कनक गेहूं के दाने के बराबर और चूना भी इतना ही मिलाकर ले। पानी हमेशा चुस्कियां ले लेकर पिए, अर्थात पानी हमेशा घूंट घूंट करके पिए। हमारे शरीर में भोजन पचाने के लिए अग्नि होती है और अग्नि को तीव्र करने के लिए अमल होता है और मुंह में क्षार बनता है। लार के रूप में अमल और क्षार आपस में मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं। अमल का मतलब जिनका पीएच 7 से कम है और क्षार का मतलब जिनका पीएच 7 से अधिक है। न्यूट्रल का मतलब जिनका पीएच 7 है। पानी न्यूट्रल है, पेट हमेशा पानी के जैसा रहे तो सबसे अच्छा है। पानी घूंट घूंट कर पीने से लार अधिक मात्रा में पेट में जाएगी तो अमल को शांत करने में मदद होगी, जिससे आपका पेट न्यूट्रल रहेगा। सभी जानवर पशु पक्षी घूंट घूंट कर या चाट चाट कर पानी पीते हैं, इसलिए ये मनुष्य से ज्यादा स्वस्थ है। पानी घूंट घूंट कर पीने से वजन नहीं बढ़ता है, अर्थात शरीर की बनावट के हिसाब से संतुलित रहता है। ठंडा पानी कभी मत पिए। शरीर के तापमान के बराबर का ही पानी पिए, मतलब गुनगुना पानी पिए, अर्थात 27 डिग्री से 37 डिग्री के बीच का ही पानी पिए मौसम के हिसाब से। मिट्टी के बर्तन का पानी 27 डिग्री तापमान का होता है। ऐसा मिट्टी की तासीर के कारण होता है। ठंडा पानी पीने से पेट को उसे सामान्य तापमान पर लाने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत होती है और अतिरिक्त ऊर्जा के लिए अतिरिक्त खून की जरूरत होती है, जिससे कि अलग अलग हिस्सों से इसकी पूर्ति होती है। इससे उन हिस्सों में खून की कमी होने लगती है और ऐसा बार बार करने से कई बीमारियां शरीर में जन्म लेने लगती है। इस क्रिया में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सबसे ज्यादा दिमाग से रक्त आता है, उसके बाद हृदय का रक्त आता है। रक्त की कमी के कारण अंग काम करना बंद कर देते हैं, इसलिए इसके कारण ब्रेन हेमरेज, लकवा, हृदय घात जैसी बीमारियां हो सकती हैं। ठंडा पानी पीने से सबसे पहली बीमारी कोष्ठबद्धता की होती है, क्योंकि ठंडा पानी पीते रहने से बड़ी आंत संकुचित हो जाती है। फ्रिज का पानी,
बर्फ डाला हुआ पानी और आइसक्रीम जैसी वस्तुएं न खाएं। सुबह गुनगुना पानी पिए अथवा तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पिए सिर्फ सुबह। प्लास्टिक और एल्यूमिनियम के बर्तन का पानी कभी मत पिए। पानी का अपना कोई गुण नहीं होता है, इसे जिसमें मिलाया जाता है उसी का गुण धारण कर लेता है। पानी हमेशा बैठकर ही पिए। 18 वर्ष से कम के लोगों के लिए 750 ग्राम, 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच के लोगों के लिए 1 से 1.25 लीटर और 60 वर्ष से अधिक के लोगों के लिए 750 ग्राम पानी पीना आवश्यक है। यो, शरीर में तांबे की अधिकता की स्थिति में सुबह का पानी ताम्र पात्र का न पिए। तांबे के बर्तन का पानी पीते समय नंगे पांव न रहें, अर्थात लकड़ी या प्लास्टिक जैसी ही किसी वस्तु को पैरों में धारण करके ही पिए। तांबे का पानी पीते समय जमीन से शरीर का सीधा संपर्क न हो। खड़े होकर और जल्दी जल्दी पानी पीने से 2 गंभीर रोग होते हैं, जिसमें पहला है हॉर्निया आंत का उतरना और दूसरा है अपेंडिसाइटिस अपेंडिक्स। 60 वर्ष से अधिक उम्र में एक बीमारी हाइड्रोसिल की भी हो सकती है। पानी हर व्यक्ति अपने वजन में 10 से भाग देकर 2 घटाकर दिन भर में पानी पीने की मात्रा की गणना कर सकता है। सामान्य रूप से 4-5 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। एक साथ घटाघट पिया हुआ पानी किडनी पर सबसे अधिक दबाव देता है, क्योंकि शरीर में पानी को छानने का काम किडनियां दोनों करती हैं। इस प्रकार पानी पीने से शरीर को कोई लाभ नहीं होता है, ऐसा अमेरिका के 2 वैज्ञानिकों के शोध से पता चला है। जापान की सरकार ने अपनी चिकित्सा पद्धति में इसको शामिल किया है। नाभि पूरे शरीर का केंद्र है और बैठने की स्थिति में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल नाभि पर लगता है और खड़े हो जाने की स्थिति में गुरुत्व केंद्र नाभि से खिसक जाता है। गुरुत्व बल का नाभि पर प्रभाव होने से इसका प्रभाव जठराग्नि पर पड़ता है, जिसके कारण सुखासन में बैठने की स्थिति में कुछ भी खाने पीने से जल्दी और पूरी तरह हजम हो जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में एक अतिरिक्त बल काम करता है। किसी मजबूरी की स्थिति में पानी हमेशा झुक कर पिए। पानी पीते समय या कुछ भी खाते समय गुरुत्व बल हमेशा नाभि के नजदीक रहे। पियाव की व्यवस्था हजारों सालों से चल रही है। शरीर को अच्छी तरह काम करने के लिए शरीर को कम से कम 272 और अधिक से अधिक 47 डिग्री का तापमान चाहिए। लगातार ठंडा पानी पीते रहने से जठराग्नि मंद हो जाती है, बड़ी आंत और छोटी आंत सिकुड़ जाती है। बारिश का पानी सबसे अच्छा होता है। यह पानी 1 साल तक आराम से पी सकते हैं बिना कोई केमिकल मिलाए। बीच बीच में फिटकरी या चूने के प्रयोग से इसकी शुद्धता को बनाए रख सकते हैं। इसके बाद बहती हुई नदियों का पानी जो बर्फीली पहाड़ियों से होकर गुजरता है अथवा पहाड़ों से होकर आता है सबसे अच्छा होता है। इसके बाद तालाबों का पानी अच्छा है जहां बारिश का पानी इकट्ठा होता है। नल का पानी जो बारिश के पानी से छनकर आता है। MCD के पानी को बिना उबाले न पिए। RO के पानी की गुणवत्ता कम हो जाती है, क्योंकि उसके शुद्धिकरण में प्रयोग किए जाने वाले केमिकल पानी की पोषकता को समाप्त कर देते हैं। RO का पानी साफ होता है लेकिन शुद्ध नहीं होता है। RO के पानी में क्लोरीन फ्लोरीन जैसे केमिकल पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो कि हमारे शरीर की दृष्टि से ये सारे केमिकल बहुत ही हानिकारक है। इसलिए पानी को उबालकर पिए सबसे अच्छा रहेगा। रिसाइकल किया हुआ पानी बिना उबाले कभी न पिए। ऐसे पानी को उबालने के बाद इसकी गुणवत्ता और अधिक बढ़ जाती है। होली के बाद और बारिश के पहले दिन तक मिट्टी के बर्तन का पानी पिए। बारिश के पहले दिन से बारिश के अंतिम दिन तक तांबे का बर्तन में रखा हुआ पानी पीना सबसे अच्छा है। बारिश समाप्त होने के दिन से होली के दिन तक सोने के बर्तन में रखा हुआ पानी अच्छा होता है। मानसिक रोगों से पीड़ित लोगों के लिए सोने का पानी बहुत अच्छा होता है।
अल्प विकसित मस्तिष्क की बीमारी में सोने के बर्तन में रखा हुआ पानी अच्छा होता है। कफ की सभी बीमारियों के लिए सबसे अच्छा है सोने के बर्तन में रखा हुआ पानी। सर्दी, खांसी, जुकाम, माइग्रेन, लेफ्ट राइट, ये सारी कफ की बीमारियां हैं। छाती से लेकर सिर तक सारे गहने सोने के होते हैं ताकि कफ नियंत्रित रहे। छाती से नीचे सभी गहने चांदी के होते हैं। ग्रहों की स्थिति से निपटने के लिए सोने की अंगूठियां पहनी जाती है, अन्यथा अंगूठियां चांदी की होनी चाहिए। नींद ना आना और अवसाद की बीमारियों के लिए शीशे के बर्तन में रखा हुआ पानी सबसे अच्छा होता है। एक बार पानी गर्म करके सुबह से शाम तक पिया जा सकता है। ज्वाइंटिस और पीलिया की बीमारी के लिए सबसे अच्छा पानी बारिश का होता है।